जिन किसानों को पंजीयन ई उपार्जन साइट से नहीं हो रहा है उनका पंजीयन मैं आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम आ चुके मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे किसान ऐप, सर्च करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे किसान ऐप नाम से। लेकिन आपको कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे, थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है किसान ऐप, और जहाँ पर जो लोगो आप देख रहे हैं तो इस तरह का इस एप्लीकेशन का लोगो है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा, इस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। तो मोबाइल नंबर और मेल डालने के बाद नेक्स्ट पेज को इस तरह से आएगा, जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे लास्ट में, ई उपार्जन वाला पंजीयन। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, देन नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट, जो आपका ज़िला है, ज़िला यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। तो चलिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी, वो हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका तहसील का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका तहसील है वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। देन तहसील के नीचे आपके यहाँ पर जो विलेज है, आपका विलेज का ऑप्शन आएगा, वो आप चूज़ करेंगे। देन नीचे आपके भोज में जो भी ग्राम पंचायत, उसमें जो भी आपका ग्राम है वो आप चूज़ करेंगे। करने के बाद नीचे ईमेल आईडी शो हो रही होगी, और सबसे ऊपर यहाँ पर आपका नाम ऐड करना है। तो नाम हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, देन क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। देन फिर से आपको क्लिक करना है ई उपार्जन साइट पर, फिर से ई उपार्जन पंजीयन द्वार से क्लिक करेंगे तो वही जानकारी यहाँ पर फिर से आपको एंटर करनी होगी। चलिए, सबसे ऊपर हमारा यहाँ पर विलेज चूज़ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते हैं, तहसील, देन हमारा विलेज यहाँ पर हम चूज़ करते हैं। देन नीचे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपका खसरा नंबर आ रहा है, तो खसरा जो भी है वो आप चूज़ करेंगे। देन नीचे खसरा चूज़ करने के बाद आपके जो विलेज के जो भी नाम है, ग्रामीण के जो नाम है, वो नाम चाहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रॉल करके जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए, जो भी हमारा खसरा नंबर है, जो भी हमारा नाम से है, वो हम यहाँ पर नाम सर्च करते हैं। पूरा आपका विलेज का यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगा, सभी लोगों के नाम यहाँ पर शो होंगे। तो जिस भी खसरा नंबर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप फाइंड यहाँ पर करें। चलिए, जो मैं फाइंड कर रहा था वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। देन हम आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ही बता जा रहा है, देखिए, खसरा नंबर बता रहा है, आपका नाम बता रहा है, साथ में यहाँ पर साइड में आप देख रहे होंगे टिक का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपका खसरा नंबर है, इसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उस पर आप टिक करें, और नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे जमा करें। जमा करने वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों, सिंपल सा ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, सिंपल से तरीका बताया है। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके यहां पर सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।